क्या आपको मालूम है कि अगर आपने पार्किंग के लिए पैसा दिया है बिल्डर को और आपकी सोसाइटी बन चुकी है तो आप अपनी पार्किंग के मालिक नहीं हैं। कोई भी बिल्डर पार्किंग के लिए पैसा चार्ज नहीं कर सकता है, ये एक कायदा कानून है। अगर आपने अपने बिल्डर को अपनी कार पार्किंग के लिए पैसा दिया हुआ है तो आप पैसा देने के बाद भी अपनी कार पार्किंग के मालिक नहीं हैं, क्योंकि जब हाउसिंग सोसाइटी चार्ज ले लेती है बिल्डर से और बिल्डर सारे डॉक्यूमेंट्स हाउसिंग सोसाइटी को दे देता है तो जितनी भी पार्किंग होती है, चाहे वो स्टिल्ट पार्किंग हो या ओपन पार्किंग हो, उसका पूरा मालिकाना हक सोसाइटी के पास रहता है और सोसाइटी ही उसको मेंटेन करती है। एक सिविल अपील थी जिसका नंबर है 2544 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बताया है कि बिल्डर या प्रमोटर पार्किंग बेच नहीं सकता है क्योंकि वो एक फ्लैट का हिस्सा नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो मोफा एक्ट है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, उसके सेक्शन 2A1 के अनुसार बिल्डर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेच सकता है जिसका डेफिनेशन फ्लैट के अंदर ना आए। तो पार्किंग का डेफिनेशन जो है वो फ्लैट से बिल्कुल अलग है, इसलिए बिल्डर सिर्फ फ्लैट बेच सकता है और पार्किंग नहीं बेच सकता। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो बिल्डर है वो स्टिल्ट पार्किंग या ओपन पार्किंग स्पेस नहीं बेच सकता है, आपसे उसके लिए पैसे चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टिल्ट पार्किंग और ओपन पार्किंग की जो मालिकाना हक है वो हाउसिंग सोसाइटी होती है और वो कॉमन एरियाज़ में माना जाता है। तो इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि अगर बिल्डर आपसे पैसा चार्ज करता है पार्किंग देने के लिए तो वो गलत है और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी पार्किंग आपके नाम पर नहीं रहेगी। अगर कोई बिल्डर आपसे पार्किंग के लिए पैसा लेता है तो आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि आपके कोई राइट्स नहीं है पार्किंग के ऊपर, सारे राइट्स हाउसिंग सोसाइटी के पास होते हैं। अगर किसी बिल्डर ने आपको पार्किंग बेच दी है और आपसे उसके लिए पैसा ले लिया है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं बिल्डर के अगेंस्ट में और अपना रिफंड मांग सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार सेक्शन 14 के तहत कंज्यूमर कमीशन के पास पूरा पावर है कि वो आपको आपका रिफंड दिला सके बिल्डर से। तो सावधान हो जाइए, जब भी आप कोई फ्लैट खरीदें तो देख लें कि पार्किंग के लिए आप कोई पैसा ना दें बिल्डर को। ऐसी और भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो सोसाइटी लॉज के बारे में या कोई भी अपडेट जो कंज्यूमर के हित में हो, ऐसी जानकारी हम टाइम पे टाइम देते रहते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी जानकारी लेने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।